दुर्ग जिला कलेक्टर ने विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सोमवार की शाम राजनीतिक दलों और न्यूज एजेंसियों की बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकारों से चुनाव संबंधित विषयों पर चर्चा की और मतदाता सूची एवं मतदान केंद्रों की सामान्य सांख्यिकीय जानकारी दी। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगे आदर्श आचार संहिता के बाद मीडिया से रूबरू होकर दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने चुनाव संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि इस बार ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों की मतदान केंद्रों की संख्या 1479 है, जिसे पुरुष मतदाता 7,12,067 और महिला 7,19,228 एवं थर्ड जेंडर 55 है। इसी तरह टोटल 14,31,350 मतदाता मतदान करेंगे। बताना चाहेंगे इस बार 18 वर्षीय नए मतदाता बढ़े हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी अमला विधानसभा चुनाव संपादित करवाने तैयारियों में जुट गया है। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लगभग सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। 7,943 कर्मचारियों की ड्यूटी लग चुकी है पूरी चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए। जो जितनी भी तरह की टीम्स बनानी होती है, सारी टीम्स हमारी बन गई है। सबके नोडल ऑफिसर अपॉइंट हो चुके हैं। मतदाता सूची में भी इस बार विशेष ध्यान रखा गया था। मतदाता सूची का काम भी जो हमारा है वो अंतिम प्रकाशन भी हम 4 अक्टूबर को कर चुके हैं। तो चुनाव के लिए लगभग सारी तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। चलो मत के लिए हम 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं और अंतिम तिथि उसकी 30 अक्टूबर है। सर, उसकी शिकायत मिलती है उसकी जांच करा के फिर नियम के हिसाब से एक्शन। हम जेंडर वाइज बात करें तो दुर्ग जिले में ओवरऑल क्या है? दुर्ग जिले में बहुत ही अच्छी स्थिति आई है। 1010 का हमारा जेंडर रेशो है। प्रारंभिक प्रकाशन जब हमने अगस्त के महीने में किया था तब 1003 का था। अभी अंतिम प्रकाशन में 4 अक्टूबर को 1010 का है। जेंडर रेशो बहुत रहेगी तो नॉर्मल ही रहेगा। 55 थर्ड जेंडर हमारे मतदाता सूची में। कुल मतदाताओं की संख्या? कुल मतदाता हैं 14,31,000। हमने जितने भी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है कि सभी मतदान केंद्रों में, हमारे 1479 मतदान केंद्र हैं, उन सभी में हमने अशॉर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हम वहाँ पर विकसित कर चुके हैं। इनमें सभी मतदान केंद्रों में रैंप की व्यवस्था है, सभी मतदान केंद्रों में शौचालय की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है। तो ये काम हम पहले से ही कर चुके हैं। वृद्ध के लिए भी व्हील चेयर की व्यवस्था भी है और रैंप की व्यवस्था भी है। जैसे कोई जाना 12D का है, उसमें BLOs ने सर्वे करा लिया है। अगर उसमें वो सहमति देंगे कि वो घर पे ही कराना चाह रहे हैं तो फिर एक पोलिंग टीम बनती है, वहाँ पे जाएगी और रिसीविंग भी उसी तरह से होगी। सर, दुर्ग जिले में 6 विधानसभा, शंकराचार्य कॉलेज में काउंटिंग रूम हमने बनाया है। सर, मैं ऑलरेडी आज हमने आदेश प्रसारित कर दिया है। इसमें डेसिबल लिमिट भी तय होती है कि इतनी डेसिबल लिमिट से ऊपर आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं और टाइम भी इसमें फिक्स कर रखा है। अगर उसके बाद में अगर इस तरह की ध्वनि प्रसारक यंत्रों का अगर उपयोग कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारी जो टीम्स पूरे ज़िले में लगातार घूमती रहेंगी, 24 घंटे का ऑर्डर उसमें निकला हुआ है। पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम इसमें निरंतर मॉनिटरिंग करती रहेगी और अगर कोई शिकायत अगर जनता से भी आती है, 1950 टोल फ्री फ़ोन नंबर है जिस पे जनता शिकायत कर सकती है, तो इमीडिएटली हमारी टीम पहुँचेगी। सर, अभी चुनाव प्रक्रिया के अलावा भी अभी आप देखेंगे पिछले 2 वीक से DGS के ऊपर काफ़ी कठोर कार्रवाई जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी 15 केसेस में हमने कार्रवाई कर ली है और अब इनको रात साथ करके इनके नष्ट करने की भी कार्रवाई हम चालू करा रहे हैं। उसके अलावा सभी में ऑडियो मीटर लगवा रहे हैं ताकि एक लिमिट से ऊपर ये ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने नहीं चला पाए। और हम टीम से हमने इसमें बनाई है, जो जितने भी DJs का अगर ऑर्डर जारी हुआ है किसी भी कार्यक्रम के लिए तो वहाँ जाकर चेक करेगी कि नियम के हिसाब से वो लोग इसका संचालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। और इसमें बहुत ही कठोर अब इसमें रुख जिला प्रशासन अपना रहा है क्योंकि इसमें आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। ठीक है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।